एडीजे भर्ती परीक्षा में अधिवक्ता कोटे में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के विरोध में चौमू बार एसोसिएशन उतर गया है। अपनी मांगों को लेकर वकीलों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वकीलों ने एकत्र होकर नारेबाजी भी की। अपनी मांगों को लेकर वकील पिछले 6 दिन से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने आज चौमू में विधायक रामलाल शर्मा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक ने वकीलों को कहा कि जब जुलाई में विधानसभा सत्र चलेगा तो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इधर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए वकील हड़ताल पर है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारे बार एसोसिएशन के द्वारा एडीजे भर्ती में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया गया है, उसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, कार्य बहिष्कार चल रहा है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम से माननीय विधायक महोदय के मार्फत। उसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एक तो अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान की समुचित व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, और जो नए अधिवक्ता हैं उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह एक वेतन के रूप में मिले जिनसे उनको सहयोग प्राप्त हो। एक वृद्धजन जो अधिवक्ता है एक रिटायरमेंट के उम्र के बाद में उनको एक पेंशन के रूप में कुछ राशि राज्य सरकारों के द्वारा दी जानी चाहिए, और जिन अधिवक्ताओं के रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए आवास के लिए अलग से आवासीय कॉलोनी की व्यवस्थाएँ हों, और ईस्ट लाइब्रेरी की व्यवस्थाएँ हों, फ्री नेट की व्यवस्थाएँ हों, जो बेसिक समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमारा 6ठा दिन है और जो उनकी मांगे हैं कोटे जो उनका हटाया गया, क्या आज आश्वासन लेके जा रहे हैं आज आप? मैं भी इस बार का एक सदस्य होने के नाते आज बार चौमू में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी के नाम इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन की गंभीरता को मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का काम करूँगा। और जो मांग इन्होंने रखी है, एक मांग प्रमुख रूप से है कि जो अधिवक्ताओं का जो कोटा था न्यायिक सेवाओं के अंदर उसकी कमी जो की गई है, उसके साथ में अन्य मांगें भी जो रखी है, चाहे वो मांग पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो मांग नवीन जो अधिवक्ता हैं उनको पारितोषिक के रूप में सरकार के द्वारा सहायता की बात हो, या दुर्घटनाओं के समय क्लेम की बात हो, या आवास की जो समस्या हो, इन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक मैं सिर्फ सरकार के सामने नहीं रखूंगा। विधानसभा अब जुलाई के अंदर शुरू होगी, जुलाई के अंदर विधानसभा के अंदर भी इनको पुरजोर शब्दों के अंदर रखेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से विचार करे।